Hi guys, welcome back to another video. So guys, as promised, we are trying to keep it up all the जो हमारा pending work था. So let's start from day one, जहाँ की इकरा की शादी की शुरुआत हुई थी. Video title इकरा करीब की ढोल की, जहाँ से I think इकरा इकरीब अच्छी करीब इकरीब की फाइनल ढोल की. हाँ सॉरी, मतलब मैं कुछ ओके. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यहाँ से स्टार्ट होंगी, नीचे से लेके लाइन से क्रैश करेंगे. ए एन एल लाइन में अराउंड जितनी वीडियोज हैं 15-20 सारी की सारी एक दो दिन के अंदर पूरी कवर. ओके सो हेडफोन पहने, कंबल ले सिर के ऊपर, पॉपकॉर्न लेके Let's watch with us. Okay, let's start the video. Ikrib ki shaadi ka pehla event. Let's go. Let's go. Okay. You guys know this song? तुम्हें क्या हुआ? मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ के जा रही. इकरा. आज है हमारे इकरीब हैशटैग इकरीब की शादी का पहला इवेंट और ये स्टार्ट हो गया. और मैंने उठना था, चूंकि आपको पता है कि रात को हम लोग काफी लेट सोए हैं, शादी वाला घर है. अभी जो है वो 1:30 बज रहे हैं और मैं उठी हूँ 11 बजे और 12 बजे तक मैं अपनी फोन कॉल्स पे ये क्या करना है वो क्या करना है. मेरी ज्वेलरी आई, मेरे जूते आए, मेरे कपड़े आए और वो स्टिल अभी तक कुछ भी चीजें नहीं हुई हैं. सैलून से मेरी अपॉइंटमेंट थी, अभी मुझे सीधा वहाँ पे जाना है. अरीब साहब नीचे वेट कर रहे हैं. आप लोगों ने अभी तक मेरा पहले चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कॉमेंट कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. नाश्ता वाश्ता किया अम्मा ने, फिर एज यूजुअल मुझे साग पराठा और ये खिलाया और ये मैं खा के अभी बैठी हूँ, सही है. और मैं निकलती हूँ और मैं आपको सारी सिचुएशन दिखाती हूँ. वेडिंग सीरीज के लिए पगड़ा पा रहे हो जी, बल्ले बल्ले लेट्स गो. चलो जी, मम्मी आई. मम्मी मैं जा रही हूँ सलोन, ठीक है, सारी घर की चीजें देख लेना, सफाई सफाई करा लेना, मेहमान पहुंच जाएंगे कुछ 6 बजे तक इंशाल्लाह. हमने कितनी मम्मी देख ली यूट्यूब पे, डक्की भाई की मॉम, डक्की भाई की वाइफ की मॉम, अब इनकी मॉम और उसकी माँ सफदर की माँ. पर सबसे क्यूट अभी तक मुझे सबसे ज्यादा क्यूट सही बता रहा हूँ डक्की भाई की मलक दिया. शी इज लाइक ऐसा फैमिली मेंबर है ना, वो ऐसे उनसे वाइब ऐसी आती है लाइक शी इज लाइक फैमिली मेंबर. ऐसा भाई भाई तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई. तब इस तरह जो ना निकलो शादी वाला सीजन है, बिस्तर जो ना निकलो. चलो ओ माय गॉड, तो नीचे जो है ना वो हमारा काम हो रहा है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है. अच्छा जी, ये यहाँ पे सारा सेटअप वगैरह लग रहा है. अभी ये रेडी होएगा तो फिर आपको आके ही दिखाऊंगी. फूल शूल की चादरें लग रही हैं, बत्तियां छतियां, कारपेट शारपेट, तो मतलब मजेदार माहौल बनने वाला है. ये फीलिंग याद आती है शादी वाली जब घर पे होता है. चलो वाओ जी वाओ, यहाँ पे भी पूरा प्रॉपर खाने का सेटअप लग रहा है. माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. वहाँ पे मेरे हस्बैंड साहब मेरा वेट कर रहे हैं. वहाँ तक पहुँच गया ये नहीं, कैजुअल हालत में आई हूँ. ये ट्रक ट्राले, यहाँ पीछे खाना बनेगा लाइव, ये गद्दे शद्दे जो बिछेंगे ये सब. ये उसका घर नहीं था? अस्सलाम वालेकुम. इसका भाई, इसके हस्बैंड का सही भाई का. उसके बाद जब मैं ये कपड़े चेंज करके अपने फैंसी कपड़े पहनूंगी, ये कपड़े कहाँ रखूंगी? शॉपर तो उठा के फिरूंगी नहीं, ये आराम से सुकून से. मैंने लोगों को कहा कि हैशटैग इकरीब वेडिंग पंगड़े स्टार्ट हो गया. मेरा ड्रेस चूंकि नहीं आया, मैं सैलून से पूछ लूँ की उनके पास इस्त्री शिस्त्री है या क्या सीन पार्ट है, पता लगे कि सिल्वर वाले. ये मुझे घर का कंफ्यूजन हो रही है, जो भी घर दिखाए इसका था या उसका, यही वो हमने पिछली वीडियो देखी थी आई थिंक उसका घर था हस्बैंड के उसके. मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज़ में लेके. ये भी अपने घर से निकली ना इकरा, ये ओह माय गॉड, आई एम जस्ट कंफ्यूज. घर मुझे नहीं समझ आया क्योंकि नहीं है बैकग्राउंड भी वो. चलो देखते हैं, लेट्स सी. वैसे भी इतनी वीडियो देखने समय समझ आ ही जाएगा कौन किसका घर है. फिर हम लोगों ने सीधा जाना है सैलून, नहीं दो और काम भी करने हैं मेरा, देखते हैं अभी टाइम बनता या नहीं. तो अब हम लोग निकलने लगे हैं, लेट्स चलें जी गाइस. हमने रास्ते से अपने कपड़े कर लिए थे पिक. अब मेरी जो ज्वेलरी है वो राइडर से बुक करा के डायरेक्ट मंगवाऊंगी सैलून पे. और हम पहुंच चुके हैं अभी इस वक्त सैलून. मैं पहुंच गई हूं अपने मेकअप स्टूडियो और यहां पे इतना सारा मेकअप जो है ना वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है. ये मेकअप सारा आज मेरे मुंह पे लगेगा, देखो मैं क्या. इतना सारा नहीं लगेगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए. कपड़े मेरे आगे है प्रेस होके और ये मेरा खूबसूरत सा एप्पल ग्रीन, लड्डू पीला और जामनी पर्पल रंग है, ठीक है. ये मैंने फ्रूट से रिलेट कर दिए हैं, मीन वैसे शश के मारने के लिए. ये मेरा खूबसूरत सा जोड़ा है. अभी मैं इसको करूंगी चेंज, लेंस वेंस पहनते हैं और फिर हमारा स्टार्ट होगा मेकअप. जैसे होता है लड्डू पीला.
लड्डू ये वहीं से बाहर हुआ ना ये लुकिंग लाइक वो वाली सी। गाइस मेरा मेकअप डन हो गया, ज्वेलरी शुलरी मैंने पहनी है, अब मेरे बालों पे लगने लगे हैं चिमटे। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार, ये मेरे बाल बन गए हैं। आज बाल बड़े अलग बनाए, ऐसे मैंने बाल कभी भी नहीं बनाए थे। कमेंट में बताएं कैसी लग रही है। अभी तो मैं नीचे पहनूंगी। सही बात है। नहीं यू एग्री नॉट एग्री या नॉट यस मुझे एंजॉय करने दो। दुपट्टा सेटिंग हो गई है, मैं मेकअप देख रही थी कब से। एंजॉय करना, मैं बेड पे बैठ के देख रही हूं। आउटफिट और मेकअप देख रही थी मैं। बताएं कमेंट में कैसी लग रही है। अभी मैं जाऊंगी सीधा बस घर, एंड आई एम वेटिंग कि वहां जाके घर पे सबको बारी बारी दिखाऊंगी और सबका रिएक्शन होगी कि मैं लग कैसे रही हूं। अभी खैर यहां पे मेरा थोड़ा सा होगा शूट, शूट से पारिक होके फिर हम चलते हैं घर, घर जाके करेंगे टिंग 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 क्लास को। चलें जी गाइस, अब चूंकि मेरे जो हैं वो ड्राइवर आ चुके हैं लेने के लिए, अब मैं सीधा घर पहुँचूँगी और घर जाके आपको दिखाती हूँ। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं घर, और घर तो मेरा बाहर से भी रोशनदान, यहां से भी रोशनदान, ऊपर से भी रोशनदान, यहां से भी रोशनदान। ओके गॉट इट। लगा ओए होए वाओ, ओए होए होए फातिमा, ओए होए होए राबिया, ओए होए होए गाइस हेलो माशाल्लाह। तुम ऐसे शॉक में देख रही हो यार, वैसे अच्छी लग रही है। थैंक यू। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छी लग रही है, थैंक यू। ये व्लॉगिंग करते हैं, ये रही है, ये छोटा वीजा ना, इसे लेट मिलती हूँ। ये जैनब की छोटा वीजा है यार। कितना खूबसूरत डेकोर हुआ है यार, सीरियसली टोलकी शोलकी का सारा थीम है यार, बहुत जबरदस्त। एक और ब्लॉगर फिर रहे हैं, ग्रेट जॉब जीटी इवेंट्स ने भाई, ये इवेंट किया है मेरे घर। एक नहीं, हम सभी ब्लॉगर हैं। ये कम टाइम में शॉर्ट नोटिस में बहुत अच्छा, अभी खाना खाना टेस्ट करके बताऊंगी, बट इट्स अमेजिंग। ये चेयर से इतनी जोर से चीख, सिर्फ बाल खराब होने के लिए। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। Oh my God. ये ऐसा लग रहा है पूरा लेडीज का घर है पूरा। हाँ इनके घर पे सिर्फ एक ही लेडी, अपने लेडीज संगीत होता है, वो ही फंक्शन है इसलिए लेडीज। अरे वो मैं समझ गया, पर इनके घर पे सिर्फ पापा ही है, एक लड़का, बाकी सब लड़की ही है, तो माहौल ही पूरा लड़के लड़के वाला। यार इनके पापा के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, मतलब इन द सेंस कि एक एक बेटी घर से निकलती रहेगी, पापा के लिए अकेले रहेंगे घर पे, उस वे में कह रहा हूँ। नहीं नहीं, एक आधी तो रखेंगे अपने पास, एक आधी बड्डी उम्मी, बड्डी उम्मीद एक आधी। मुझे कैसा लग रहा है, करती ना लड़कियां छोटी छोटी बातों में, ऐसा फील आ रहा है मुझे पूरा, मैं देख रहा हूँ उनका। लड़के छोटी छोटी बातों में खुश होती है ना। कितना प्यारा सूट है इनको, ये जो पिछली लड़की बैठी है इसको लगा क्लैपिंग करनी शुरू कर, इनको इनको लगा ये है ना, इनको लगा क्लैपिंग कर रहे हैं, देखना अभी नहीं है। मुझे ऐसा लगा, पहला मुझे ऐसा लगा, सॉरी माय बैड, सॉरी माय बैड, माय बैड। नौकरी वाली, नौकरी वाली दुल्हन की छोटी बहन, ये सब होता लेडी संगीत में। मैंने लाइफ में कभी देखा, सो दिस इज माय मौका टू यू नो वॉच एवरीथिंग। ओके सेल्फ ज्यादा अच्छे लग रही है, देखो जैसे मैं ब्यूटी पार्लर वाला को ज्यादा ओवर करते हैं, पर ब्राइड का चल जाता है, ब्राइड का क्योंकि फोटोज वगैरह फोटो शूट होना होता है। आई गॉट यू, आई गॉट यू, आई गॉट यू, आई गॉट यू, आई गॉट यू। हां
घर तो चल जाएगा, हमारे घर भी इतना चल जाएगा जब हमारे घर शादी छोटे छोटे बच्चे भी आना स्टार्ट हो गए हैं। लड़के कैसे आ गए? स्टार्ट और मेहमान लड़के अलाउड होते हैं? या आई कैन सी बच्चे। तो ये तो पापा है ना, ये तो आ सकते हैं यार। अच्छा बाकी पता नहीं इंडिया में मतलब इंडियन में नहीं होता है। मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मेरे अबू भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सलवार कमीज ज्यादा अच्छे लगे। कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ, कह रही हूँ मेरे क्या सलवार कमीज पहन ले, बड़े लोग कहते हैं अंकल के फैन है इस कमेंट करके कहें पहन ले। चलें जी गाइस, हमारी कल दुआएं खैर हुई आप लोगों ने देखी, लेकिन उसमें माई दादो नहीं थी, अभी सारी फैमिली वाले इकट्ठे हुए हैं तो बड़ी दुआएं दे रही हैं मुझको। दुआएं अभी अभी लोग इकट्ठे होंगे ना तो फिर एक के बाद सूफी जागता है, गारंटी है सर्टिफाइड सूफी। सबके सूफी बुजुर्ग सब, लेकिन जो बड़ों की दुआएं होती है ना वो हमेशा आपके साथ रहती है पूरी जिंदगी। तो आप लोग ने भी दुआ करनी है, आप तो कर ही रही हैं। अब हम लोग बस के साथ अल्लाह ताला आपकी बहुत ज्यादा अच्छी। यार लिटरली देख पाकिस्तान में ब्यूटी तो है, देख कुछ बोलूँ लोग गलत साइड में जाते हैं, बट लाइक पाकिस्तान गर्ल्स आर सो ब्यूटीफुल लिटरली, आप मानो चाहे मत, लाइक यू हैव अ गुड जीन, यू हैव अ गुड जीन। ओके कितनी सुंदर है इसकी पांचों बहनें, कितनी सुंदर है ना, एक एक से बढ़कर एक, जैसे जैसे छोटी आती जाती है ना वैसे वैसे और भी ज्यादा सुंदर है। मतलब या पाकिस्तानी वुमेन्स हैव लाइक गुड जीन्स, ओके स्पेशली मुस्लिम्स आई कैन से, ओके ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है गाइस, प्लीज। हां आमीन आमीन हमें घर जाने का मन कर रहा है बट इसलिए एक तो ये माहौल बना हुआ ऐसा देख के फैमिली वाला, बट इट्स फाइन। मेरा दूल्हा आ गया। ये हम भी करते हैं क्या? बाकी पता नहीं मैंने ये देखा नहीं था। मोबाइल फोन में तुम करनी है कभी? सब आता है, मैं लड़की देख के आ चुका है, ये भी आ गया हस्बैंड। Wow, she's looking so beautiful na yaar, I think perfect choice uske liye, like she's so happy. She got a job. Yay. पापा ने नहीं चेंज किए। मैं ऑब्वियसली लाहौर में रहते सारे पंजाबी होंगे। इसको ये चीज़ को देखकर लग रहा, अब वो क्या इसका नाम, क्या नाम था उसका, मास, वो पंजाबी नहीं था, उनको उनकी शादी देखने से कितनी डिफरेंट थी। सो यू कैन फील इट, वो यू कैन फील इट पंजाबी है। ठीक है डक्की भाई भी रहते हैं आई थिंक लाहौर में, सारे मोस्टली पंजाबी लोग हैं।
का आपको मेन्यू दिखाते हैं, ठीक है। वे सब लोग आजमात डालते हुए और फातिमा अपनी स्टैटिक रील्स बनाते हुए हम अब देखते हैं अंदर कि दूल्हा और दुल्हन क्या कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या डिस्कशन चल रही, खाना नहीं खाएंगे आप लोग? हाँ, अपनी शादी में खुद खाना नहीं खाएंगे? मेरी बहन आएगी यहाँ दूल्हा दुल्हन के लिए अलग खाना लेके। मैं तुम्हारा पहले व्लॉग बनाऊँ ना? मैं ना, हम गुलाम है, हम गुलाम इसलिए होती है। अभी तुमने ना ब्राइड निकाल के मैं खाली मेड बनाया हुआ है, सच में इसने ना खाली मेड बनाया हुआ है, ने बुलाई हुई है छोटी सी ढोलक बजाने। भाई सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, देख कैसे बैठा हमारे घर भी छोटा बच्चा दिखाई ना, अगर आप याद होगा बहुत बड़े बिगड़े हुए हैं। टिकटू सेम ऐसे बैठा सारा दिन वो छोटी सी ढोलक है और फोन से देख देख के ढोलकी बजा रही है और इसको हमने अपने बच्चों को बिगाड़ेंगे ना, है ना, फोन से दूर रखेंगे इसको। ढोलकी बजाओ, चले जी गाइस बाहर। तो खाना शाना लग गया था, मैं बाहर नहीं गई क्योंकि मैंने घर आ रहा पहना, मैं दो बार गिरने लगी थी, ठीक है। तो मेरा खाना आ गया है मेरे सामने, मतलब मेरा और मेरे प्यारे दूल्हे का। दूल्हा दुल्हन का यही फायदा, खाना खा था। जी बिल्ली और चाची इकट्ठे होते हैं तो फिर चाची का पूरा सूट बनता है। वाह वाह, चलो जी इधर मानो और मानो की दोस्तों ने स्टार्ट कर लिया टोर पंजाबन दी, ठीक है। खाना शाना मैंने खा लिया था, अब मैं आपको जाके जरा बाहर के थोड़ा, यार ये बड़ी प्यारी लड़कियां लगी हुई है यहाँ तक। अब हम चलते हैं बाहर, बाहर लोगों की गॉसिप्स चल रही हैं इधर, और यहाँ पे खाने पर सही खाने तो यहाँ खाए जा रहे हैं ना। देखें जरा पापा की प्लेट चेक करें, पापा ने सही कैसा लगा? पापा मैंने देखा दारू पीते हैं क्या? दारू देखी देखी टेबल पे थी? नहीं नहीं थी, नहीं थी। हाउ डू यू नो? मैंने देखा, देखा तो नहीं, दारू थी मेरा हाथ पे है। खाना पापा की कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं है क्या? प्लेट चेक करें, कोल्ड ड्रिंक से मतलब कैसा लगा पापा जी खाना? मजे का ना? ट्रस्ट मी, टेस्ट वॉज माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा था। एज ए ब्राइड मैंने कभी भी किसी भी इवेंट पे लाइक उस तरह खुल के खाना नहीं खाया, बट यहाँ पे मैंने प्रॉपर डील बन, अरे इधर तो आओ, ये देखा एक कराया ने? नहीं देखा, लो एंट्री ने। अच्छा बाबू इनका नाम, इसका नाम आई थिंक इन दोनों का अरीब है, उसका इकरा एंड अरीब, इकरीब। अच्छा मुझे नहीं पता था भाई ये चीजें भी होती हैं। रिया की शादी में नहीं देखा था अरविंद और रिया? नहीं वो समझ गया, बट इस मुझे ओके ओके माय बैड, उन्होंने हेयरस्टाइल लिया था ना? नहीं देखा, ओके एंट्री लगवाई आपने? देखी नहीं, हमने नहीं लगाया, क्या हुआ? मैं एक फोटो लेने, वी आर ओल्ड स्कूल। राजस्थान में जंगल के बीच राजस्थान चल रहा है। ये कौन सा गाना सुना लग रहा है? कौन सा? ये इनको क्या हो रहा है? बिल्ली क्रियोग्राफर बनी हुई है। गाइज यहाँ पे क्योंकि खाना शाना ख़त्म हो गया था तो नीचे से सारी जो चीज़ें हैं वो लड़के खिलड़के टिंगिंग 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 सब चीज़ें निकल चुकी हैं, जा चुकी हैं, और सारा सामान जो है वो अब पैक हो रहा है और मेरा होने लगा है यहाँ पे शूट। वाह भाई वाह, आज तो गए बगैर ही फुल लुक दिखा रहा हूँ। यार ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, बनाया ये ये तू इन्हें मिलेगी ना, ऐसी ड्रेस मिल जाएगी ना पूरा? ओह माय गॉड प्लीज नेक्स्ट वीडियो में गाइस, इसकी जो कुर्ती है ना वो बोल लूंगा अभी है यहाँ पे, अभी यहाँ पे नहीं है। अभी कुछ ऐसा है तो जो शादी में जो वाइफ कर सके, नेक्स्ट वीडियो में वो पहन के बैठेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में गाइस सूट नहीं लेके वेरी जमील बहुत टाइट लग रही है, नहीं जाना अच्छी लग रही है। आपकी दुल्हन करने की तैयारी कब होना? अच्छा जी तैयारियों में बहुत अच्छी लग रही है। मेरे साजन जी घर आ रहे हैं, शूट कराओ, शूट यहां पे शूट हो जाए पहले तुम्हारा, शूट होने लग गया। ये शूट साल ये है, पांच बहनें फाइव सिस्टर्स
ये तो बड़ी है, वो जो खड़ी है वो छोटी है ना। या आई थिंक मैं लेट मी गेट एंटरटेनमेंट लेट मी गेस वन सेकंड आई थिंक सबसे बड़ी तो यही है ऑब्वियसली। सबसे बड़ी ये है, पागल है क्या? सबसे बड़ी ये, सेकंड पे ये है, थर्ड पे आई थिंक ये है। नहीं नहीं, सबसे बड़ी यही कह रही हूँ, ये है, मुझे लगा ये है बड़ी, उसके बाद नहीं नहीं, चलो ये है उसके बड़ी, फर्स्ट सेकंड फिर ये, थर्ड फिर ये, फिर ये फोर्थ या फिफ्थ, राइट? आई एम गेसिंग, जस्ट वी गेसिंग, ये एंटरटेनर भी है, यू कैन एडिट इन कमेंट। इतना प्यार, वाह भाई वाह। फ्रॉक पहन के तो फिर तुम्हें भी पहनना पड़ेगा फ्रॉक, तुम भी तो लड़का ही हो। इधर देखो इनके सपने सॉलिड डांस चल रहे हैं। इधर देखो मेरे पापा को डाल दिया, ओए मां ओए मां ओए मां ओए मां को काटा लगा, ओए मां ओए मां। लेकिन ऐसा हो सकता है लड़के वैसे आ जाते हैं छुप छुप के, वो दूल्हे की साली। अच्छा वो फंक्शन अभी आ गया जिसमें लड़के अलाउड है, ब्राइडल शावर वीडियो इसके बाद आएगी। What's that? डाउन करके रखिए। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, सब मिलके निकल गए हैं, बस मैं भी निकलता हूँ। अगली बार बहुत प्यारा लगा, मैं आपके साथ मैचिंग कर रहा हूँ। मम्मा ये इसको ना 600 बार कहें क्योंकि इस लड़के को मेरी चॉइस मिल चुकी है। मैचिंग कर रहा हूँ, इसलिए प्यार लगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इस लड़के ने इस वेस्टकोट से पहले मुझे बहुत बोला क्या जॉब करता है? 500 आपको तो सब पता है। ठीक है ओके। अब यहाँ पे जिस सारा हो गया सिस्टम खाली, सब लोग चल गए अपने अपने करते हैं, बह गए वहाँ पास। हाँ तो हमको लास्ट चाहिए गाइस, हमको लास्ट चाहिए। ये देखिए अब मेरा हुलिया चेक करेंगे ना अभी आप, इस वक्त तो आपको लग समझ जाएगी कि मैं बैठी कैसे हुई हूँ इस वक्त। ठीक है, बाल्टी लगा के बालों से पिन खोल के, हाँ बाजू पहने हुए हैं ना मैंने, और मुझे सर्दी लग रही है और मुझे ऐसी बुरी खांसी, मेरे कान भी फुल लाल हो गए। अब मैं ये निकालूंगी सारे और फिर थोड़े, यार मुझे एकदम डर लगता है सोच के कैसे पहन के सारा दिन लटका के 1 किलो के कई तो बहुत भारी होता है। मेरे पियो का घर है, मैं जब चाहे आ सकती हूँ। हर 3 मिनट बाद मेरी बहनों को दौरे पड़ते हैं और मुझे याद करा देती हैं कि धर दो घर छोड़ के चली जाओगी। मेरा ही क्या रहा है, समझ आई है? जान की इमोशनल करती है, मैं नहीं हूँ। गड़े लग रहे हैं यहाँ पे, लाइटें शाइटें प्रॉपर प्रॉपर प्रेपरेशन में दुल्हन बनी हुई है, एक अदद प्रॉप। फोटो शूट होगा, मुझे लग रहा है मैं दुल्हन हूँ। मेरा नाम है टॉर्चर इकरार कबल। चलो यहाँ हमारे सारा डेकोर जो है वो है, यहाँ फोटोग्राफर सब मिल रहे हैं और डेकोर शिकोर हमारा जो है ना वो सारा इस वक्त टन 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 तारा हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग गाइस, चेक कर रहे हैं आप लोग गाइस, सब निकल रहा है। राबिया तुम्हें क्या हुआ? मैं भी नहीं रुक सकता होके जा रही। तेरा तो बैंड बजा रात निकल गया यार। देखो मेरे पांच बंदे, देखो मेरी आवाज, देखो मेरी आवाज। मम्मा मेरे मम्मा ने जी चेंज कर लिया, मेरे इयररिंग्स का वजन चेक करें बस। ये मैंने कान में कौन सा तुम्हारा, हां बहुत प्यारा था क्या? मम्मा था मेरे कान बेचारे बिल्कुल वो हो गए हैं। ठीक है, मेरी अम्मा सबसे अच्छी रह गई है गाइस, ये देखिए पहन के उसको एन ऑर्डरिंग तरीके से जोड़ के भी रख लिया और मेरे कान बिल्कुल बेचारे वो हो गए। ठीक है, मेरा मेकअप अभी तक अपनी जगह पे है, मैं भी करने लगी हूं चेंज। सो गाइस मैं गई थी बहुत ज़्यादा थक, मैंने मेकअप साफ़ किया, मेरी आँखों में बिल्कुल अब इस वक्त जागने की
वी कैन सी कितनी काजल फैलाओ मुझे लगा नींद की वजह से और काम इंस्टा के लिए मेहनत मशक्कत मेकअप लगा हुआ है आंखों में से तत्ता नहीं है जो किया उसको बैठ के मेरा भी दो दिन काजल पड़ा रहता है बंद हो गया सर दो दिन काजल लगाना मुझे धीरे ज्यादा उम्मीद करती हूं आपका आज का वीडियो आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा हमारा अगला इवेंट है वो है जी ब्राइडल शावर का तो बस आने वाले दिनों में आपको मिलेगी ब्राइडल शावर तो नेक्स्ट वीडियो कितने है नहीं नेक्स्ट का आई थिंक नेक्स्ट तो ब्लॉग ऐसी है 15 मिनट का ब्लॉग है हाँ, उसके बाद रेडल शॉप है तो वेट फॉर इट विद इन 2 आवर्स वो भी आपको मिल जाएगा मतलब रात 12 बजे तक हर एक 1.5 घंटे 2 घंटे के गैप पे वीडियोस आते रहेंगी प्लीज सिट डाउन एंड एंजॉय ओके सैटरडे संडे एंड मंडे यू गोना गेट सो मच वीडियो बाकी मजा बना रहा है वाइब्स आ रही है अगली वीडियो में भी हम अगर अच्छे पहले वाइब्स होती है ना वो वाइब्स ओके सो गाइस जल्दी में कुछ खा लेते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पीस आउट